मेड़ता के डांगावास गांव में जमीनी विवाद को लेकर हुई खूनी जंग में घायल हुए 12 जख्मियों से मिलने और उनकी चिकित्सा व्यवस्था की जानकारी लेने रविवार को प्रदेश के परिवहन और सार्वजनिक निर्माण मंत्री यूनुस खान अस्पताल पहुंचे और पीड़ितों से मुलाकात की। लगभग एक घंटा अस्पताल में रुकने के दौरान यूनुस खान ने पीड़ित और उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती अन्य लोगों से मामले की जानकारी ली। गंभीर रूप से घायल गणपत की नाजुक हालत को देखते हुए उन्होंने मुख्यमंत्री के निर्देश पर 2 न्यूरो सर्जन चिकित्सकों की भी व्यवस्था के निर्देश दिए। यूनुस खान ने सरकार का पक्ष रखते हुए मीडिया को बताया कि गांव में शांति व्यवस्था के लिए आरएसी का पुलिस जाब्ता एडिशनल एसपी स्तर के पुलिस अधिकारियों के साथ तैनात है। वहीं अस्पताल में भर्ती घायलों की पूरी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। घटना को बेहद दुखद और गंभीर बताते हुए खान ने कहा कि मामले को जातीय रंग नहीं देना चाहिए। खान ने पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों को मामले में सतर्कता बरतने के निर्देश भी दिए। जमीन को लेकर के जो विवाद चल रहा था उसने ये तय हुआ आपस में कि भी गांव के लोग आपस में समझाइश करें, तो समझाइश करने को लेकर के शुरुआत हुई और ये 4 लोगों की मौत तो 3 की मौके पर हो गई और 1 अस्पताल में हो गई, 1 गंभीर है। तो 3 दिन से हम लगातार हमारे एसपी, 2 एडिशनल एसपी और 8 एसएचओ और सारा प्रशासन वहाँ मौके पर हमने तैनात कर रखा है। 7 दल जांच के लिए भेज रखे हैं। अब तक 4 लोगों की गिरफ्तारियां हो गई हैं और अभी 12 ये इसमें अजमेर अस्पताल में भर्ती हैं, उनमें से 1 की स्थिति थोड़ी नाजुक है, बाकी आप सब ने देखा उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। राज्य सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश से इनका सबका इलाज मुफ्त में किया जाएगा। हमारे एडीएम अजमेर सिटी को हमने यहाँ लगा रखा है और 1 हमारे तहसीलदार रेगुलर मॉनिटरिंग कर रहे हैं, 1 एसएचओ हमारे वहाँ के लोकल यहाँ हमने लगा रखे हैं। वहीं डांगावास हत्याकांड के पीड़ितों से मिलने महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री अनीता बधेल, अंबेडकर पार्टी ऑफ इंडिया के प्रदेशाध्यक्ष टेकचंद राहुल और वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के प्रदेशाध्यक्ष राशिद हुसैन ने जेलन अस्पताल पहुंचकर घायलों से व्यक्तिगत मुलाकात की और घटना की जानकारी ली। उन्होंने चिकित्सकों को घायलों की पूरी तल्लीनता से सेवा और चिकित्सा के निर्देश दिए हैं। पूरी तरह से उनको ऐसा लगता है कि लाठियों से मारा गया है। एक महिला से मेरी बातचीत हुई तो उसने कहा कि हमको अब काम के लायक भी नहीं छोड़ा गया। विवाद किसी जमीन को लेकर के है, 2 समुदायों के बीच में झगड़ा हुआ है। दोषी लोग हैं, उनको सजा मिले और निर्दोष लोगों को न्याय मिले, उनका हक उनको प्राप्त हो। इस दृष्टि से आगे सरकार में हम भी कहेंगे और कार्रवाई भी कराएंगे। आज तो मुख्य उद्देश्य उन मरीजों से मिलने का ही था। 50 साल की महिलाओं को पैर पे देखिए जिस तरह से मारा, आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये बिल्कुल हम जो है कि हम क्या दिखाना चाहते हैं दुनिया को। तो हमको दिखना हो कि राजस्थान में या राजस्थान के पूरे देश में हम जो है या जो भी सरकार है यहाँ पे, वो नहीं चाहती ऐसा कि आपस में हमारा समाज जो है, कोई भी 2 समाज आपस में वर्ग अलग अलग लड़े। तो हम तो यही आग्रह करते हैं कि भाई हम आपस में इस तरह का नफरत को ख़त्म करके, और ज़मीन का मसला 2 भाइयों में भी होता है, 2 परिवार में भी होता है, लेकिन वो एक जान के एक दूसरे की जान लेने को नहीं आते हैं। हमें इस चीज़ को रोकना होगा। We'll be right back.